यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, यानी कि सेंटेंस को पढ़ेंगे और अगर सेंटेंस हमारा गलत है तो उसको हमने क्रॉस लगाना है, अदरवाइज हम उसको टिक कर देंगे या फिर ट्रू लिख देंगे। ट्रू का मतलब सही। ए देखिए, ए पार्ट। ए क्रिकेट बॉल एंड ए फुटबॉल हैज द सेम वॉल्यूम। क्रिकेट बॉल और फुटबॉल का वॉल्यूम सेम है, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल का वॉल्यूम सेम हो? बेटे क्रिकेट बॉल जो होती है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू फुटबॉल। फुटबॉल तो बहुत बड़ी होती है, है ना? तो अगर फुटबॉल बड़ी है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल। दैट मीन्स कि उनका वॉल्यूम सेम नहीं होना चाहिए, मतलब सेम तो होगा ही नहीं, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि हैव द सेम वॉल्यूम। दैट मीन्स कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। बी पार्ट देखिए। एन एम्प्टी चॉक बॉक्स हैज लेस वॉल्यूम देन ए चॉक बॉक्स ऑफ सेम साइज एंड शेप फुल ऑफ चॉक्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक खाली बॉक्स है, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है, और वो कह रहा है कि उसका वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू अनदर बॉक्स जो कि सेम साइज का है, ठीक है, जो कि सेम साइज का है। लेकिन एक तो बॉक्स खाली है और दूसरा फुल है, लेकिन साइज दोनों का क्या है, सेम है। अगर साइज सेम है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि लेस है, तो ये भी गलत है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा अगर उनका साइज सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एम्प्टी है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। इसी तरह से बी पार्ट देखिए। टू ऑयल कैंस ऑफ सेम साइज, वन एम्प्टी एंड वन फुल ऑफ ऑयल हैव द सेम वॉल्यूम। ये करेक्ट है, क्योंकि यहां पर क्या बोला बेटे कि एक तो खाली है और एक फुल है, ठीक है। जो केन है, ऑयल केन, वो क्या है, सेम साइज के हैं, सेम साइज। अगर सेम साइज के हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एम्प्टी है या फिर वो भरे हुए हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम सेम है तो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, राइट।